तो ये गाइस, तो आप लोग टाइटल और थंबनेल लेके समझ गए कि क्या हुआ है। तो हम लोग जानेंगे, मेरा जो भाई है गाइस, उसका साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए आज हम लोग चैलेंज या कुछ प्रैंक वगैरह कुछ भी नहीं बना रहे। तो ये दुकान देख सकते हैं, मेरा भाई का है, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं भाई के पास और पूछते हैं भाई के साथ क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ जानते हैं। ये ना गाइस, हमारे भाई है, इसी भाई के साथ हमारा पूरा स्कैम हुआ है। तो अभी भाई से ही पूछेंगे कि क्या कुछ हुआ है भाई के साथ। भाई बताइए। मैं महेंद्र वर्मा ना, मैं छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ। तो अभी हम मिडिल क्लास इंसान है, तो सभी का कोई एक तो सपना होता है कुछ करे बड़ा कुछ। इसलिए हम एक व्यक्ति को, एक मैनेजर को मतलब एडवांस किया था, मेरा सब फ्रॉड हो गया है। उसका मेरा पास कुछ नोटिस पत्र है जो मैं माटीगरा थाना, नोटिस पत्र मतलब गाइस जो डॉक्यूमेंट्स होता है, तो डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ है। तो मैं थाना डॉक्यूमेंट वगैरह लेके मेरा साथ फ्रॉड हुआ, इसलिए मैं थाना में कंप्लेन किया। लेकिन वो इंसान गायब होने के कारण वो तो कंप्लेन नहीं हुआ। लेकिन आपका, आप लोग का वजह से क्यों, अगर मेरा कुछ मदद हो जाए तो बहुत भला होगा। मतलब ये भाई ने गाइस कंप्लेन किया था, लेकिन जो वो अंकल था गाइस जिसने इसके साथ फ्रॉड किया है, वो उसका जो डॉक्यूमेंट में एड्रेस वगैरह था सब एकदम पूरा ही फेक एड्रेस था। क्योंकि जो एड्रेस दिया था वहाँ पर वो अंकल का घर ही नहीं है ना, वही ना। हाँ जी जी। और क्या हुआ था? और ऐसा बात ऐसा हुआ कि वो मुझसे पाइपलाइन बिजनेस के लिए एडवांस के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था। तो मेरा से एग्रीमेंट में हुआ था 5 लाख का, लेकिन मैं 50,000 उसे एडवांस दिया, उसको काम वाम कराया था। लेकिन एक तो मेरा मोबाइल भी चोरी करके लेके गया, वीवो का सेट, जिसका MI नंबर वगैरह मेरा पास है। वो हम आपको कुछ समय बाद वीडियो में सब कुछ दे देगा। और जो जो डॉक्यूमेंट जो मेरा पास नोटि पत्र है, वो हम आप लोग को दिखा रहे हैं। तो भाई अभी डॉक्यूमेंट वगैरह जितना कुछ है वो अंकल का ला रहा है, तो दिखा दे भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास। ये सब है क्या? एक इंसान को जो काम कराने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट लेता है सिक्योरिटी के लिए, वो सब मेरा पास है। पहला तो ये एग्रीमेंट है, जैसे कि ये कोर्ट का एग्रीमेंट है, एकदम नोटरी किया हुआ है। डायरेक्ट कोर्ट से किया था? हाँ, कोर्ट से नोटरी किया हुआ है एग्रीमेंट। ये देख सकते हैं गाइस, पूरा ही मतलब एग्रीमेंट किया हुआ था, लेकिन जो अंकल था वो पैसा मतलब लेके भाग गया। और जो एड्रेस था गाइस पूरा ही फेक दिया था, तो अंकल को ढूंढने भी गया था तो अंकल वहां पे नहीं मिला। जैसे कि उसका बैंक अकाउंट का किताब, ये देख सकते हैं गाइस, बैंक अकाउंट भी है जो अंकल ने स्कैन किया था हमारे भाई का। उसका 2 चेक वगैरह है मेरा पास, जो फ्रॉड है दोनों चेक भी है गाइस। उसका आधार कार्ड भी है। ए, भाई ने हमारा मतलब सेफ्टी के लिए लेके रखा था। और उसका हमने जो उसको पेमेंट दिया था, उसका बैंक स्टेटमेंट जो हम लोग फोन पे से, अभी तो ऑनलाइन का जमाना हुआ, ऑनलाइन से हम ट्रांसफर किए थे, उसका फोन पे का स्टेटमेंट, फोन पे का भी जो गाइस मतलब पैसा दिया था, तो उसका भी मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं। उसका जो वेल्थफील्ड का सर्टिफिकेट, तो मैनेजर है उसका सर्टिफिकेट है, ये है उसका फोटो। ये जो गाइस अंकल ही, यही अंकल ने स्कैम किया था, मतलब यही जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, कल्प्रिट की बोलते हैं, यही मतलब मेन है जो पैसा स्कैम करके भाग गया गाइस। तो आप लोग को अगर ये आदमी कहीं पे भी दिखा, आप लोगों के साथ भी ये स्कैम हो सकता है। अगर ये आदमी कहीं पे भी दिखा तो जरूर से आप लोग कॉन्टेक्ट में बताइएगा हम लोगों को, एंड भाई को कॉल कीजिएगा। इसका वेल्थफील्ड का सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, ये आप लोगों को स्क्रीनशॉट मैं दिखा दूंगा, मतलब वहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को। एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट, ये जो माटीगरा थाना में कंप्लेन किया हुआ था, ये कंप्लेन। और कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है ना? और कुछ नहीं है। और क्या बोला था आपको मतलब स्टार्टिंग में, मतलब जो पैसा लेने का?
पैसे लेने का आगे बोला था हमें ऐसा सर तुमको पाइपलाइन बिजनेस के लिए जो न्यू जनरेशन अभी तो एलपीजी का बिजनेस डाउन हो रहा है, मेरा एलपीजी का बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो अभी तो न्यू जनरेशन आ रहा है जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये कुछ जगह में पाइपलाइन घर घर में घुस चुका है, अभी घुस चुका है, तो हम लोग का वेस्ट बंगाल में भी आ रहा है, आज जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में 4-5 घर में वो हो चुका है, इधर भी आ गया, घुस रहा है पाइपलाइन, बड़ा पाइपलाइन घुस रहा है घर घर में, तो उसके लिए हमको मतलब लाइसेंस बनाने का वादा किया था। और कितना रुपए मतलब टोटल मांगा था? टोटल मांगा था 5 लाख रुपए मांगा था, लेकिन 50,000 रुपए एडवांस दिया था, और 50,000 रुपए हमें एडवांस दिया था फोन पे का माध्यम से, इसलिए इसका सिक्योरिटी सब तो हम तो दिखाया आप लोग को, आधार कार्ड वगैरह एग्रीमेंट सब कुछ दिखाया आप लोगों को, फोटो भी दिख रहा होगा वहाँ पर, स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, और ऐसा इसके किसी के साथ ना हो इसलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे यार, नहीं तो ना भाई। हाँ वही बात है, और भाई हमारा मतलब बहुत दुखी में है, क्योंकि पता ही ना वैसे एक मिडिल क्लास बंदा जो बिजनेस करेगा सपना दिखता है, और ऐसा अगर हो जाएगा किसी का तो आप लोग 50,000 कितना पैसा आएगा इस हम लोग मिडिल क्लास इंसान लोगों के लिए, तो आप लोग सोच सकते हो। भाई ने अच्छा हुआ कि 5 लाख रुपए नहीं दिया, 50,000 स्कैम करके भाग गया वो अंकल, और एड्रेस भी यहाँ का ही दिया था, ठीक है, मतलब भाई का माटीगरा आमतली बाजार का सामने, लेकिन वो आदमी का घर ढूंढने गए भाई तो घर ही नहीं है गाइस, ये नाम देख सकते हैं वो आदमी का है शुभजीत मुखर्जी, आपको फोटो क्लियरली भेज दिया जाएगा, फोटो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मतलब वहाँ पर दिख रहा होगा वीडियो में, तो और कुछ कहना है भाई? और कुछ नहीं करना है, बस पब्लिक के पास ये वीडियो ज्यादा शेयर करना, सबको जानकारी रहना चाहिए, अगर कुछ उसको रास्ता घाट में कोई किसी को दिख गया तो इस नंबर में कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपके द्वारा हम फ्री में काम नहीं कराएगा, आपको भी कुछ इनाम दिया जाएगा, जैसे कि 5-10,000 रुपए हम खुशी करके उसको देगा, लेकिन वो इंसान को पकड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा फ्रॉड बहुत जगह दूसरा आदमी से भी ऐसा फ्रॉड कर सकता है, वो किया भी है इधर 2-3 जगह किया भी है, इसलिए उससे बच के रहना। तो ये भाई के साथ नहीं और 2-3 जन के साथ ऐसा फ्रॉड किया है, इसलिए हम बोलते हैं इसे पकड़ के कुछ कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ऐसा आदमी गाइस खुले हम घूम रहे, तो आप लोग अगर कहीं पे भी देखो उस आदमी को तो आप लोग जरूर से भाई को कॉल करना, तो भाई मतलब बहुत दुखी में है, आप लोग फेस देख के पता लगा सकते हो कितना दुखी में है, क्योंकि 50,000 रुपये कम नहीं है, बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है, तो रखते हैं गाइस आज के वीडियो इतना लगे।